तो फिजिक्स वाला की दो अलग अलग और मजेदार साइंस की ट्राई करने के बाद हमारे पास यहाँ पर फिजिक्स वाला की एक और सबसे छोटी और साथ सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग साइंस की। तो अगर आपने पिछली दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ भाई, आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये सारी साइंस किट हमें भेजी थी फिजिक्स वाला टीम ने इनकी अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने के लिए। हालांकि इनके जो भी इनिशियल इंप्रेशन और थॉट्स होंगे वो सारे के सारे हमारे होंगे, उन पर किसी का भी कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो चलो फटाफट से इसे अनबॉक्स करके देखते हैं, इसके साथ एक्सपेरिमेंट करने में कितना मजा आता है। भाई किट तो हमारी यहाँ ओपन हो चुकी है, लेकिन एक बार मैं आपको किट बाहर से दिखा देता हूँ अगर आप देखना चाहो तो। जैसा कि देखोगे तो यहाँ भाई फिजिक्स वाला की हमें ब्रांडिंग मिलती है, उसके बाद यहाँ इस किट का नेम लिखा है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, 100+ एक्सपेरिमेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ भाई एक्सपेरिमेंट्स की फोटोज बनी हुई जिनको देखकर हम समझ सकते हैं किस टाइप के एक्सपेरिमेंट हम इसके साथ कर पाएंगे। फिर अगर इसे थोड़ा सा यहाँ मोड़ें तो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पीछे भी यहाँ पे भाई कुछ चीज़ें दी हुई हैं, चाहो तो आप इसे पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हो। तो चलो अब किट को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो सबसे ऊपर भाई हमें मिल जाती है यहाँ पर एक ये एक्सपेरिमेंट बुक, यानी जिसके अंदर सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। फिर भाई यहाँ पर मिल जाती है हमें एक क्यूरियस जूनियर की 100+ डू इट योरसेल्फ एक्सपेरिमेंट बुक। तो इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं जिन्हें आप अपने घर के ही सामान से कर सकते हो। अब भाई यहाँ पर अगर आप देखो मटेरियल फॉर इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि एक्सपेरिमेंट हर एक एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो जो हमें सामान की जरूरत पड़ने वाली है वो सारा का सारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो हल्का सा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक पेपर है, एक डुअल टेप मिल जाती है और काफ़ी सारे अलग अलग पार्ट्स हैं। तो इनको अभी हम फिलहाल के लिए अंदर रख देते हैं वरना ये मिक्स हो जाएंगे तो सर हमें प्रॉब्लम होगी, तो इसको इधर कर देते हैं। फिर यहाँ पे भाई काफ़ी सारे क्लिपर वायर दिए हुए हैं हमें, फिर यहाँ पर कुछ स्विचेस हैं हमारे पास अलग अलग टाइप के। यहाँ पर है भाई दो अलग अलग टाइप की बैटरीज, एक ये डबल ए बैटरी है, एक ये यहाँ पर है हमारे पास 9 वोल्ट बैटरी। तो भाई अभी इस बुक में से देखकर हम लोग आपको एक एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। और भाई हमारा ये जो पहला और दूसरा एक्सपेरिमेंट है ये तो कुछ खास है नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे थर्ड वाले से, जो कि है 2-वे स्विच। तो इसको बनाने का मटेरियल निकालते हैं, उसके बाद इसमें ही दिखाए तरीके से इन्हें असेंबल करेंगे। तो हमें यहाँ पर चाहिए भाई 2 स्विच, तो स्विच भाई हमें इसके अंदर मिल जाएंगे, ये हैं भाई हमारे स्विच देख सकते हो आप। उसके बाद हमें चाहिए कुछ इस टाइप का एक लकड़ी का पार्ट, तो वो हमें इसमें मिलेगा, ये दो छोटे छोटे से पार्ट हैं। अब हमें इस किट में से चाहिए एक छोटी सी LED और उसके बाद एक ये बैटरी 9 वोल्ट वाली, तो इसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। लास्ट में भाई हमें चाहिए होंगे कुछ वायर्स, तो जल्दी से इनको भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो चलो अब इन सबको असेंबल करके बनाते हैं अपना 2-वे स्विच। फाइनली भाई अभी हमारा पहला प्रोजेक्ट बनकर रेडी है, ये है हमारा 2-वे स्विच। अब इसमें सिस्टम क्या है देखोगे आप तो इस बल्ब को जलाने के लिए 2 स्विचेस इसमें लगे हुए हैं। तो यहाँ से जैसे मैं स्विच को नीचे पहले से ऊपर करूँगा, ये देखिए हमारा स्विच जल गया। अब क्या होगा, यहाँ ऊपर वाला जो स्विच है इसको मैं जैसे नीचे करूँगा हमारा ये जो बल्ब है बंद हो जाएगा। अब वापस से मैं इसको नीचे करूँगा तो ये जल जाएगा, फिर इसको ऊपर कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसका इस्तेमाल जनरली ऐसे जगहों पर किया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हों, और ऐसे में एक ही चीज़ को कंट्रोल करने के लिए 2 अलग अलग जगह पर स्विचेस लगे हैं। तो हम ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किए बिना या दूसरी जगह जाए बिना एक ही जगह से उस दूसरी जगह के स्विचेस को कंट्रोल कर सकते हैं। भाई अब अगला प्रोजेक्ट हम बनाएंगे जैकपॉट व्हील, जिसे बनाने के लिए हमें कुल इतने सारे सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो इन सब सामान को असेंबल करके हमें कुछ इस टाइप का सेटअप रेडी करना है, तो चलो पहले रेडी कर लेते हैं और फिर आपको बताते हैं आगे क्या करना रहेगा। भाई अभी हमारे जैकपॉट व्हील बनके एकदम रेडी और काफ़ी सिंपल सा सेटअप है। अगर आप देखोगे तो एक मोटर है जिसके आगे हमने ये जैकपॉट व्हील वाला कटआउट लगा रखा है, यहाँ पे बैटरी है, स्विच है और यहाँ पर एक भाई हमने एरो रख रखा है। तो जैसा सिंपल सा होता है जैकपॉट व्हील वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है, ये थोड़ा हमने जुगाड़ किया है, इसको आप अपने तरीके से भी सेट कर सकते हो। तो अब करना है क्या, सिंपली यहाँ देखोगे आप स्विच लगाए, इसको जैसे हम जलाएंगे मतलब दबाएंगे तो हमारा ये जैकपॉट व्हील नाचने लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेकर हम इसको सिंपली बंद कर देंगे और ये रुक जाएगा। अब की देखे जैसा कि ये वुड पे रुका है, तो इस तरीके से एक बच्चे अपना छोटा सा गेम भी खेल सकते हैं। भाई अब हम रेडी करेंगे अपनी इस किट का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, जो कि है ये स्टडी हैंड गेम, और ये आपने कभी ना कभी तो भाई ज़रूर खेला होगा। तो इसको हम आज अपने घर पर बनाएंगे, मतलब इस साइंस किट से बनाएंगे। तो उसके लिए भी हमें इस सेटअप की जरूरत पड़ने वाली है, और उसके सिवाय यहाँ पर एक ये बजर लगेगा,
ये कॉपर वायर, इस तरह की दो क्लिप्स और बैटरी और ये पेपर सैंड पेपर है। तो सिंपली करना क्या है, सबसे पहले हमें इस कॉपर वायर को पूरा खोल लेना है और वायर को खोलने के बाद भाई हमें इसे दो पार्ट्स में कट कर लेना, तो एक पार्ट लंबा रहेगा और दूसरा वाला छोटा रहेगा। तो आई थिंक यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ। और अब भाई क्या करना है, इन वायर्स के ऊपर इंसुलेशन होता है, तो इंसुलेशन को हटाने के लिए हमें सैंड पेपर का यूज़ करके इसका इंसुलेशन हटाना होगा, इसे घिस घिस कर। तो इस तरीके से जब हम घिस देंगे तो इसके ऊपर का इंसुलेशन हट जाएगा। तो भाई अभी हमने इस वाले वायर का इंसुलेशन हटा दिया, और अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर डिफरेंस दिख जाएगा। इसका काफ़ी ज़्यादा एक गोल्डन ब्राउन सा कलर है, और यही इसका जैसा नॉर्मल कॉपर होता है। तो अभी सिंपली क्या करना है, हमें इसका भी इंसुलेशन हटाना है, बट पूरा नहीं हटाना है, इधर साइड से थोड़ा सा हटा देना है और इधर साइड से थोड़ा हटा देना है। तो इसको सिंपली हम लोग ऐसे ऐसे घिसेंगे तो इसका भी इंसुलेशन हट जाएगा। और अब सिंपली जैसा इसमें सेटअप बना है कुछ वैसा ही सेटअप हम यहाँ पर रेडी करेंगे। अभी हमारा ये सिंपल सा सेटअप बनके रेडी हो चुका है, और आप देखोगे जो डिज़ाइन है ये तो आप अपने मन से कैसे भी बना दो। अब सिंपली क्या करना है, इधर से हमें एक हुक टाइप का बनाना है, जैसा कि इस गेम में होता है कुछ इस तरीके से। और अब क्या करेंगे, इस हुक को सिंपली हम लोग इस वायर में से ले जाके ऐसे कर लेंगे, और अब हम जैसे ही ये टच होगा देखिए बोलने लगेगा। तो हमें सिंपली ये गेम खेलना है कि हमारा हाथ कितना स्टेबल है, और हम इसको इसमें से निकाल लेंगे और जहाँ ये टच होगा आवाज़ आने लगेगी। भाई आवाज़ भी मस्त करता है, भाई बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है ये। तो इसको आप सिंपली अपने घर पे थोड़ा बड़े सेटअप के साथ भी बना सकते हो, बस आपको ये बजर लेना है, एक 9 वोल्ट की बैटरी लेनी, और ये जो वायर इतनी पतली आप चाहो तो मोटी वायर का यूज़ कर सकते हो सिंपली। भाई अब हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट एक्सपेरिमेंट होगा ये कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इंटू लाइट्स। तो इसके लिए हमें चाहिए भाई एक बैटरी, और उसके बाद हमें चाहिए ये स्टील वूल। तो भाई अब हमें सिंपली इस बैटरी के दोनों तारों को इस स्टील वूल में छुआना है, और फिर देखिएगा क्या होता है। ये देखिए भाई ये जलना चालू हो गया पूरा का पूरा एक बार में, अब ये पूरा पूरा जल के ख़त्म हो जाएगा अपने आप ही। पास से दिखाना भाई इसको ज़रा, ये देखो भाई किस तरीके से, और कितना ज़्यादा प्यारा मतलब एक एक्टिविटी सी लग रही है ये। तो ऑलमोस्ट भाई ये जल चुका है, और ना ये ज़्यादा गर्म नहीं होता है क्योंकि इतने पतले वायर्स होते हैं कि जलने के तुरंत बाद ये ठंडा हो जाता है। तो वही हो रहा था यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो जब काफ़ी ज़्यादा पतले वायर्स में ट्रेवल करती है तो हीट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो जलने लगता है। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट इस एक्सपेरिमेंट में बताया गया है। तो भाई यही थे इस किट के कुछ मज़ेदार एक्सपेरिमेंट जो कि हमने आपको करके दिखा दिए। अब वैसे तो सारे एक्सपेरिमेंट हम कर नहीं पाए, एक तो थोड़ा समय का अभाव था, और दूसरा भाई मौसम बन रहा है कभी भी बारिश हो सकती है, तो जल्दबाजी की वजह से हम कुछ ही एक्सपेरिमेंट कर पाए, जो कि वो तो मज़ेदार थे ही, बाकी भाई इस किट के अंदर जो और एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं वो सारे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख देना, हम इसका सेकंड पार्ट लाएंगे, उसमें आपको बाकी के मज़ेदार एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। बाकी जो एक्सपेरिमेंट हमने अभी किए हैं वो आप नीचे कमेंट्स में बताना आपको कैसे लगे। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ भाई, इस किट को भी जैसे कि पिछली वाली ऑप्टिक्स वाली किट थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, सेम वैसे ये भी है, तो आप इसको इसके प्राइस के अकॉर्डिंग भाई परचेज किया जा सकता है। इसको सारे के सारे एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और कुछ सीखा जा सकता है, उनके साथ एंजॉय किया जा सकता है, तो आप इसे भी परचेस कर सकते हो। तो चलो अब इस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, और हम मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में अपने पुराने अंदाज में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।